बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी ये बड़ी खबर है। पिछले काफी वक्त से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग की जा रही थी। राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। सरकार ने अलग अलग जातियों की जनगणना रिपोर्ट को जारी कर दिया है और अब विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भी ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो भी देश भर में जातिगत जनगणना कराए। फिलहाल बिहार की ये रिपोर्ट सुर्खियों में है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि जो काम केंद्र सरकार नहीं कर पाई वो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की सरकार ने कर दिया। कई धड़े इसके लिए तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ सवाल भी इस रिपोर्ट पर उठ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल ट्रांसजेंडर्स की तरफ से उठा है। किन्नर रेशमा प्रसाद ने बिहार की जातिगत जनगणना वाली इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और इसे फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक से सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, ट्रांसजेंडर्स की आबादी कम दिखाई गई है, असली आबादी पता करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए, ना ही हर ट्रांसजेंडर तक पहुंचकर सर्वे कराने का भी प्रयास हुआ। रेशमा प्रसाद का कहना है, बिहार सरकार जातिगत जनगणना में दावा कर रही है कि राज्य में ट्रांसजेंडर्स की आबादी 825 है। 2011 की जनगणना में यह आबादी 42,000 से अधिक थी। इस बारे में सारे आंकड़े फर्जी हैं। सर्वे अधिकारियों ने राज्य में सारे ट्रांसजेंडर्स की पहचान की ही नहीं, मेरी खुद की गिनती नहीं हुई, किसी ने मेरे पास आकर सर्वे नहीं किया, किसी ने मुझसे मेरी जाति के बारे में नहीं पूछा। तीसरे लिंग का उल्लेख कॉलम संख्या 22 में किया गया है जो कहता है कि कुल जनसंख्या सिर्फ 825 है और प्रतिशत है 0.0006। अगर वो लोग वास्तविक संख्या जानना चाहते थे तो उन्हें रेलवे स्टेशन और टोल प्लाजा जैसी जगहों पर जाना चाहिए था। खैर, दूसरी तरफ बिहार की इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट कहती है कि राज्य में मुसलमानों की आबादी 17% से अधिक है, वहीं यादव आबादी 14% से अधिक, कुर्मी 2% से अधिक, कुशवाहा 4%, ब्राह्मण 3% से अधिक, भूमिहार 2% से अधिक हैं, वहीं राजपूत मुसहर 3-3% से अधिक, मल्लाह और बनिया 2-2% से अधिक हैं। कायस्थों की आबादी 0.60% बताई गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% से अधिक बताया गया है, पिछड़ा वर्ग 27% से अधिक, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 1% से अधिक बताई गई है। बिहार की जातिगत जनगणना वाली इस रिपोर्ट में सवर्ण आबादी राज्य में 15% से अधिक बताई गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।